मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 भारत का यह रेशमी नगर पढ़ाएंगे। यह प्रस्तुत कविता राष्ट्रकवि श्री राम सिंह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने देश की राजधानी एवं महानगरों से मिलने वाली सुविधाओं तथा गाँवों की दुर्दशा व अभावग्रस्त जीवन के बीच इतना बड़ा अंतर पाकर संसद में बैठे प्रतिनिधियों एवं नेताओं को चेतावनी दी है। चलिए शुरू करते हैं। हो गया एक नेता मैं भी, तो बंधु सुनो, मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूँ। हे मेरे जो बंधु भाई बंधु हो, सुनो, मैं भी एक ऐसा नेता बन गया हूँ और मैं भारत के एक रेशमी नगर में रहता हूँ। मतलब मैं भारत के एक दिल्ली शहर में रहता हूँ जो एक भारत के रेशमी नगर के नाम से विख्यात है। जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है, मतलब यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो काम का बोझ सहते रहते हैं। मैं चांदनियों का बोझ किसी विधि सहता हूँ। मैं चांदनियों का मतलब मैं रोशनी का या उनकी मान मैं चांदनियों का बोझ किसी विधि सहता हूँ। वेतन भोगिनी विलासमयी या देवपुरी, वेतन भोगी मतलब जो यहाँ काम करने वाले हैं उनको वेतन भोगी, जो यहाँ लोग पैसा कमाने के सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसी विलासमयी या देवपुरी उगती कल्पनाओं से जिसका नाता है। मतलब यहाँ पे जो सिर्फ इंसान यहाँ पे जो भी दिल्ली शहर में आता है सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने आता है। यह एक ऐसी देवपुरी है जहाँ पे लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, रहते हैं, जिसका इतनी चिंता का भी अवकाश नहीं। खाते हैं जो अन्न कौन उपजाता है, मतलब यहाँ के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होती है, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न कौन उगाता है, वो अन्न कैसे बनता है, लोगों को ये सोचने तक की भी फुर्सत नहीं है यहाँ पे। उद्यानों का यह नगर कहीं भी जा देखो, इसमें कुम्हार का चाक ना कोई चलाता है। मजदूर मिले पर मिलता नहीं किसान, कहीं किसान नहीं। फूलते फूल पर मक्का कहीं ना मिलता फलता है। यहाँ पे ये उद्यानों का शहर जो है दिल्ली है, इसमें कहीं पे भी कुम्हार का चाक चलाने वाले इंसान नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ मशीनों के पुर्जे, कल पुर्जे बनाने के लिए आपको मज़दूर मिलेंगे। यहाँ पे फूल उगाने के लिए फूल यहाँ पे फूल दिखेंगे, खिले हुए फूल दिखेंगे, लेकिन कहीं पे भी अनाज मक्का या जो भी किसान यहाँ पे खेती किसानी करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। खेती किसानी का इस दिल्ली शहर से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। गंदगी गरीबी मैलेपन को दूर रखो, शुद्ध दोदन के पहरे वालों चिल्लाते हैं। है कपिल वस्तु पर फूलों का श्रृंगार पड़ा, रथ समा रूढ़ सिद्धार्थ घूमते रहते। यहाँ पे रथ सिद्धार्थ, यहाँ पे जो यहाँ के जो पहरेदार है, जो यहाँ के चौकीदार है, जो यहाँ की अरे यहाँ पे जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, जो यहाँ के कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, वो सिर्फ चारों ओर यही अपनी सवारी पे अपनी गाड़ियों पे घूमते रहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है साफ सुथरी रहने के पीछे। आज दिल्ली विख्यात है कि दिल्ली में बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। सिद्धार्थ देख रम्यता रोज ही फिर आते, मन में कुत्सा का भाव नहीं पर जगता है। समझाए उनको कौन नहीं भारत वैसा, मतलब दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे मशीनों के पार्ट्स वगैरह पुर्जे वगैरह बनते हैं, यहाँ पे खेती किसानी नहीं की जाती है, यहाँ पे कौन किसी को समझाए। भारत धूलों से भरा आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा सारा देश अंधेरे में। भारत धूलों से भरा आंसुओं से गीला है, मतलब भारत के जो अन्य देश हैं वहाँ पे पर्यावरण इतना प्रदूषित है कि यहाँ पे जो यहाँ का पर्यावरण है वो आंसुओं से गीला है। पर्यावरण दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। व्यक्ति अपनी प्रगति उन्नति की दौड़ में इतना अंधा हो गया कि उसे आज प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं उसका जा रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे अनेक आविष्कार होते हैं। मशीनों तथा उनके पुर्जों को बनाने में दिल्ली सबसे आगे है। वहाँ मशीनों से संबंधित अनेक चीज़ें बनती हैं तथा मशीनी उपकरणों के आविष्कारों में दिल्ली में चकाचौंध
मची हुई है। हिल रहा देश कुत्सा के जिन आघातों से, वे ना तुम्हें ही नहीं सुनाई पड़ते निर्माणों के पहरियों, तुम्हें ही चोरों के काले चेहरे क्या नहीं दिखाई पड़ते हैं। कवि कहते हैं, देश जिन परेशानियों और विपत्तियों से ग्रसित है, उनकी परेशानी दुर्दशा तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है। तुम कोई ना कोई निर्माण करते हो, तुम देश के पहरेदार रक्षा कवच हो, अनेकों नियमों कानून को लागू करते हो। तुम्हें भ्रष्टाचारियों घूस लेने वाले व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते, वे उन सबके काले चेहरों को अनदेखा करते हैं। तो होश करो दिल्ली के देवो, होश करो, सब दिन तो यह मोहनी न चलने वाली, होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। मतलब वो कभी कहना चाहते हैं कि हे दिल्ली वाले, दिल्ली के लोग, आप लोग होश करो कि जो यहाँ के मशीन के पार्ट्स बनते हैं उनकी जो गर्मी निकलती है, उससे यहाँ की जो मतलब चारों ओर की जो दिशाएं हैं वो कितने गर्म हो सकती है, ये किसी को होश भी है? यहाँ की जो मिट्टी है एक न एक दिन ऐसी आग उगलेगी जो कि यहाँ का सब तरफ तबाही मचा देगी। ऐसा टूटेगा मोह एक दिन के भीतर, इस राग रंग की पूरी बर्बादी होगी। जब तक न देश के घर घर में रेशम होगा, तब तक दिल्ली के तन पर भी खादी होगा। मतलब ऐसा, मतलब दिल्ली का ऐसा मोह एक दिन टूटेगा कि मतलब यहाँ का जो इस देश का मोह है, एक दिन यहाँ की जो चकाचौंध है, जो यहाँ पे लोग बनाते हैं, पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, इसकी एक दिन ऐसी बर्बादी होगी कि जो खादी है, जो मतलब इंसान अपनी मेहनत से जो काम करता है, जो उद्योग करता है, जैसे दिल्ली खादी, जब तक कि कपड़ा बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए भारत के और शहर मशहूर है, उसी तरह यहाँ पे पार्ट्स के लिए दिल्ली मशहूर है। लेकिन दिल्ली पार्ट्स, जो मशीनी पार्ट्स होते हैं, उससे हमारी जीविका नहीं चलेगी जब तक हमारे तन पे कपड़ा नहीं होगा। इस कविता के माध्यम से दिल्ली की चकाचौंध के बारे में राम सिंह दिनकर जी ने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो क्लास आपने इस कविता को बहुत अच्छे से सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।